कुछ लोग कहते हैं कि आठ मुखी जो है ये आपका है राहु के लिए और नौ मुखी कहते हैं केतु के लिए। मैं इसका विरोध करता हूँ, उसके कारण है। मैं कहता हूँ कि आठ मुखी केतु के लिए है और नौ मुखी राहु के लिए है। उसके पीछे कारण क्या है, मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि आठ मुखी रुद्राक्ष जो है ये जोड़ा जाता है भगवान गणेश जी से। गणेश बुद्धि के कारक हैं और केतु भी बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान विज्ञान ब्रह्मांड की ज्ञान, इसको जो बात करते हैं हम, तो उसको केतु की बात है। केतु यहाँ है आपके, तो भगवान गणेश भी जो है सिर की, देखिए आपको सिर को काटा गया है, उनको हाथी का सिर लगा दिया गया है, प्रतीकात्मक चीज़ें होती हैं। सिर की माता तो तरफ ध्यान दीजिए आप। तो आठ मुखी रुद्राक्ष का मंत्र भी आता है ना, अथवा अष्टमुखी रुद्राक्ष, इसमें आता है कि अश्य श्री गणेश मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुसंध विनायक देवता, विनायक देवता गणेश भगवान है। और नौ मुखी रुद्राक्ष मैं राहु इसलिए कहता हूँ कि नौ मुखी रुद्राक्ष में मंत्र जो आता है नवमुखी रुद्राक्ष, अश्य श्री भैरव मंत्रस्य नारद ऋषि पंक्ति छंद गायत्री छंद भैरव देवता। भैरव देवता के बारे में बात करते हैं, भैरव देवता जानते हैं किस प्रकार के होते हैं। और जो राहु हैं ये धड़ बोलता हूँ मैं, सिर नहीं मानता मैं। जैसे आप सिर की बातें लोग समझते हैं कि राहु जो है उनका जो है सिर होता है, मैं कहता हूँ धड़ है। आप देखेंगे कि छिन्नमस्ता देवी भी होती है ना, छिन्नमस्ता देवी है जिसकी का धड़ ही नहीं है, छिन्नमस्ता राहु के लिए होती है, का धड़ ही नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से ये जो राहु कृतिक भ्रांतिया के बारे में वीडियो जो बना रखा है उसको आप देखिएगा। तो नौ मुखी रुद्राक्ष जो है ये होगा राहु के लिए और आठ मुखी होगा केतु के लिए। तो जो लोग कहते हैं कि आठ मुखी राहु के लिए है और नौ मुखी केतु के लिए है, उन्हें थोड़ा इसके बारे में सोचना जरूरी है, ध्यान रखिएगा।